साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की नैब में पेशी है और पेशी के बाद शहबाज शरीफ नैब दफ्तर से वापस रवाना। शहबाज शरीफ 1 घंटा 40 मिनट तक नैब दफ्तर में मौजूद रहे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैशान मलिक से। ज़ैशान मलिक से भी बात करेंगे। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की नैब में पेशी, पेशी के बाद शहबाज शरीफ नैब दफ्तर से वापस रवाना हो रहे हैं और शहबाज शरीफ 1 घंटा 40 मिनट तक नैब दफ्तर में मौजूद रहे। उनसे पूछगछ होती रही नैब अफसरान की जानिब से। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब आज 1 घंटा 40 मिनट तक नैब दफ्तर में मौजूद रहे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैशान मलिक से। जी ज़ैशान, बताइएगा, वापसी जारी है शहबाज शरीफ की? हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को नैब जाने को तलब किया गया था पंजाब डेवलपमेंट पावर कंपनी के हवाले से आशियाने हासिल के लिए करप्शन स्कैंडल पे, जिसपे उन्होंने आज यहाँ पेश होकर जवाब दाखिल कराया है। पहले सवाल नंबर दे दिया गया था नैब जाने पर साबिक वज़ीर-ए-आला को, जिसपे वो 2 बजे का टाइम था, कोई 3 बजे यहाँ पे 1 घंटे बाद वो यहाँ पे पहुंचे और कोई 1.25 घंटे तक वो नैब के अफसरान के रूबरू पेश हुए और अपने तमाम सवालों के जवाब वो पेश करते रहे, जिसके बाद अब से कुछ देर कबल वो नैब दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। जरा से ही मालूम हो रहा है कि उनकी जानब से तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। जो भी करप्शन के इल्जाम थे, जो भी उन्होंने भर्तियाँ की थी, उन पर ये भी इल्जाम आ रहा था कि उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के फरहत शाह को भी गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया है, वहाँ पर तैनात किया था किसी प्रोजेक्ट में। तमाम इस हवाले से भी उन्होंने वहाँ पर जवाब दायर किया है और अब से कुछ देर कबल वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैशान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।